बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि जैसे शाम की चाय में हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ साथ में नमकीन या मीठा होना चाहिए, इसी तरह मैं आज आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे नमकीन ट्विस्ट। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। ये एक प्याली हमने लिया है बेसन, एक प्याली बेसन लिया हमने, और 4 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है वो है, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून या हसबे ज़ायका सॉल्ट, और थोड़ा सा जर्दे का रंग, और घूमने के लिए हमने पानी लिया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसन में ऐड करेंगे, ये जो हमने फ्लोर लिया है 4 टेबलस्पून, इसको हम बेसन में ऐड कर देंगे, और इसमें हम ज़ीरा, अजवाइन और ये सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे। आप रेड चिली का पाउडर जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं, और हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको घूम लेंगे। मेक श्योर आपके हैंड वॉश होने चाहिए अच्छे से, जब भी आप किचन में काम करें ज़रूरी है कि आपके हैंड अच्छे से वॉश होने चाहिए। तो चलिए अब हम इसको घूम लेते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको आटे की तरह हम लोग घूम लेंगे। बहुत पतला नहीं हमें इसको गूंदना है, सेम लाइक जैसे आटा होता है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी ऐड करेंगे, ये देखें। और बस इसको अच्छे से गूंद के देखें, इस तरह हमने इसकी डो बना ली है। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए जिस तरह आटा होता है, ये देखें आटे की। अब हम इसको रख के थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर, और अच्छे से इसको ऑयल को दोनों तरफ लगा देंगे। देखिए ऑयल ड्रॉप करके अब हम इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए बेसन जो है इसको आधा घंटा हो गया है। अब हम हाथों पे हल्का हल्का ऑयल ले लेंगे, एक दो ड्रॉप्स, और अच्छे से अपने हाथ जो हैं, अब हम इसके बेसन के ट्विस्टर बनाना रेडी होंगे। थोड़ा बेसन हम लोग लेंगे, और बारीक बारीक इसको बेलते जाएंगे। इसको हम हाफ करेंगे, इसको और बारीक बेल के ये जो दूसरा पीस था इसको भी हम बेल लेंगे, एक लेंथ कर लेंगे दोनों की।
जहाँ से आपको लगे कि मोटा है वहाँ से आप इसको इक्वल शेप दे लें। ये देखिए अब हम इसको ट्विस्ट करते जाएंगे। ये देखिए ये हमने इसको ट्विस्ट कर लिया। ये देखिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और फिर से हम इसको बेल लेंगे और अब हम इसको यूं बिस्किट की शक्ल में राउंड राउंड ये देखिए इस तरह से बाकी सब भी हम बना के रेडी कर लेंगे पहले और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमने एक और इस तरह बेल के रख ली। अब हम इसको फिर से उसी तरह ये हमने इसको ट्विस्ट दे लिया ये देखें। और फिर अब हम इसको यूं फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बच्चों के लंच के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए इस तरह से इसको बना बना के हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। देखिए हमने सारे बना के रख लिए हैं, छोटे दरमियाने बड़े जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं वो आप बना लें। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा ऑयल हम ये ऐड करते जाएंगे। और इसको फ्राई कर देंगे। हम इसको बेक भी कर सकते हैं। लाइट सा हम लोग बेकिंग ट्रे के ऊपर इसको रख के लाइट सी ऑयलिंग करके हम इसको बेक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको एक साइड से होने देंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखते हैं अब हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। बहुत अच्छे से ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे, बस 2 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। शाम की चाय में बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बहुत बेस्ट है। देखिए कितने जबरदस्त बने। अब हम इसको निकालते जाएंगे। और अब हम दोबारा से बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने सबको फ्राई कर लिया, बहुत मजे के और क्रिस्पी ये बने हैं। हम इसको बिल्कुल ऐसे ही सर्व भी कर सकते हैं और इसको हम लोग तकरीबन 1 मंथ के लिए रख के तो यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल ऐसे खाने में भी ये बहुत मज़े के हैं। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ लें।
ये देखिए सिंपल, आप इसको चाय के साथ ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको साथ ही इसको चाट की, हम लोग इसको चाट की तरह भी हम खा सकते हैं। हमने ये लिए और इस पे हमने बॉयल चने जो हैं ये डाल लें, आलू हैं बॉयल वो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपने अनियन और ये टमाटर हैं ये डालने, ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला और इसके ऊपर हम डालेंगे, ये मैंने इमली की चटनी बना के रखी है, हम ये डाल लेंगे। और थोड़ा सा दही, चाट की तरह भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और सिंपल आप इसको चाय के साथ अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इसको ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।